पंजाब की गुरु नगरी अमृतसर के सरकारी गुरु नानक सिविल हस्पताल के डॉक्टर के उत्ते गोली चलाने का मामला जिहड़ा सामने आया है, जिसनों लैके पूरे पंजाब के डॉक्टर वालों जिहड़ा है कि दो घंटे की जिहड़ी है पूर्ण तौर पर हड़ताल की जा रही है। सारे जिहड़े काम काज ठप रहेंगे और तुम मेरे पिछे तस्वीर देख सकते हो कि फिरोजपुर की गल की जाए, फिरोजपुर के सरकारी हस्पताल के डॉक्टर जिहड़े है पूर्ण तौर पर जिहड़े हड़ताल से बैठ गए हैं और मरीजों इस लैके जी खासी मुश्किल का सामना करना पै रहा है। और जे डॉक्टर की गल की जाए, डॉक्टर जोड़े है कि अमृतसर के जोड़े एक डॉक्टर के उत्ते जी गोली चला दी जाती है, उसके पट से गोली चलती है। दसाया जा रहा है दो धिर लड़ाई हुई सी अमरजेंसी के इलाज के दौरान आए सर, इलाज के दौरान जोड़े इन्होंने जी है गोली चला दी जाती है। उसू लैके अज जे है कि डॉक्टर वालों और जे है दर्जा चार कर्मचारी मुलाजमान वालों जी है पूर्ण तौर पर जी हड़ताल से बैठ गए हैं और इस हड़ताल जी है पूरे 10 बजे तो लैके 12 बजे चलेगी 2 घंटे की, जिसों लैके मरीजों जी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पै रहा है। डॉक्टर साहब जी गल की जाए तो 2 घंटे हड़ताल किस कारण लाई जा रही है? जिवें सारे पता है कि परसों राती अमृतसर एमरजेंसी सर्विस देने दौरान साढ़े डॉक्टर गोली मारी गई है, तो असी यही डिमांड करते हैं कि जिन्होंने काम किया है उन्होंने अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, तो साढ़े पूरे पंजाब में जिते भी डॉक्टर ड्यूटी कर रहे ईएम उन्होंने सिक्योरिटी दी जाए। सर जी 2 घंटे हड़ताल में लैके जो मरीजों ने भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पे, उस मुख ध्यान रखते हो कुछ कर? असी कोई भी एमरजेंसी सर्विसिज बंद नहीं की, करोना का वैक्सीनेशन भी चल रही है तो जो करोना की सैंपलिंग वो भी बंद नहीं हुई है, सिर्फ एक आम ओपीडी 2 घंटे बंद की, वो भी उस बाद चालू कर दी जाएगी। गोली किन्ना वालों चलाई गई है सर? उत्थे दो पार्टियां ओपोजिट पार्टियां परचा कटाने आईया सिविल हॉस्पिटल अमृतसर, उन्होंने उदो आपस में गोलीबारी वो डॉक्टर दे गोली लगी है, उत्थे कोई सिक्योरिटी नहीं हैगी सी। गोली कितने वजी डॉक्टर दे? उन्होंने पट ते वजी है। हालत कहो जी उन्होंने? उन्होंने कल ऑपरेशन होया उत्थे अमृतसर, तो हुण ठीक ने। ठीक है, मंग की करते हो इस लैके? असं मंग यही करते हैं कि जिन्होंने ये काम किया उन्होंने अगेंस्ट बनती कार्रवाई की जाए, तो नाल ही पूरे पंजाब ईएमओज सारे पैरामेडिकल स्टाफ को सिक्योरिटी दी जाए वाजिब जी जरूरत है। बिल्कुल, तुम देख सकते हो डॉक्टर की मंग है कि जी हॉस्पिटल जी है डॉक्टर की सिक्योरिटी जी है यकीनी बनाई जाए और पंजाब सरकार तो यही मंग है कि भी जो हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए जाए। साडे नाल जो सीनियर मैडिकल अफसर ने उन्होंने गल करेंगे। मैम जी अज हड़ताल जी 2 घंटे की चल रही, इस लैके कि जिहड़ा अमृतसर च इंसीडेंट होया हैगा उहदे रोष दे विच सारे जिहड़े PCMS एसोसीएशन वालों कॉल हैगी है 10 तो 12 बजे की स्ट्राइक के लिए, एमरजेंसी सर्विसिज कंटिन्यूड ने बाकी डॉक्टर। मैम की कारण हो गया कि 2 घंटे हड़ताल से पैना पे, डॉक्टर की गोली बजी है किवें? हाँ जी, अमृतसर के सानू कल मैसेजेस ही आए हैं जी, उत्थे एक डॉक्टर जिहड़े ने एमरजेंसी दे विच उन्होंने गोली लगी हैगी है, परमात्मा का शुक्र है कि वो ठीक ने, उन्होंने कोई इदा की कोई नुकसान जान वाले कोई खतरे वाली गल नहीं है, हूँ जो सानू मैसेजेस आए हैं ठीक ने, वो रोश के स्ट्राइक किया। मैम दसा जा रहा है कि जी अपने भी फिरोजपुर की गल की हॉस्पिटल सिक्योरिटी की प्रबंध किसी तरह नहीं भी, इतने भी जो परसों की गल की जाए परसों जोड़ा है इतने वाक्य होया कि बहुत व्डा जरा कि आपस उलझ गए से गोली लगन के मामले लगे, तो इस सिक्योरिटी वास्ते अप्लाई किया होया असी MDPHSC तो परमिशन मंगी हुई है, तो उन्होंने वालों सेंक्शन आ गई हुई है सानू, तो हले सिक्योरिटी परसनस नहीं आए, जो सिक्योरिटी परसनस आ जाएंगे तो असी एमरजेंसी के सब नालों पहला उन्होंने दे देंगे। बिल्कुल, तुम देख सकते हो जो सीनियर मेडिकल अफसर से इन्होंने भी यही गल दसी है कि भी जो सिक्योरिटी की जी मांग की जा रही है, पर हैरानी की गल है परसों भी जरा इतने गल की जाए नशा तस्करी लैके जरा है राजस्थान तो पुलिस वालों जी गोली चलाई गई सी और इतने जरा है कि यह मामला इतने ही बुलझ गया सगा। असी जो गल करा कुछ इतने लोग ने जो अच्छ हस्पताल के जी है कि डॉक्टर पूर्ण तौर पर हड़ताल ने, इस लैके असी गल करा सर अच्छ डॉक्टर ने हड़ताल में लैके प्रॉब्लम आ रही है? डॉक्टर धरना लाई बैठे आ, सानू दवाई तो टेस्ट कराने तो बड़े गुस्सा आ रही है, इन्हां दी जो मंगा पूरियां कीतियां तो साडा भी मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, लोगों ने भी गल की मरीजों ने जी खासी मुश्किल सर अज डॉक्टर हड़ताल से ने 2 घंटे की, इस लैके तुहानू की मुश्किल आ रही है? बिल्कुल आ रही है, असीं करोना टेस्ट कराने लई बैठे हाँ, अजे तक कोई आया नहीं है, डॉक्टर कर नहीं रहे, अजे कोई आया ही नहीं उत्थे ड्यूटी ते, इत्थे धरना ला के बैठे है, ते है नहीं कोई इस टाइम। मैडम तुहानू की कहना है भी डॉक्टर हड़ताल ते मैं कोई मुश्किल? हाँ जी, असीं तां टेस्ट कराने आए, इन्होंने जाना बाहर, इन्हों की रिपोर्ट सानू जरूरी है,
ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੜਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ MLC ਕਟਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟਰੋਮਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਆਰੋਪੀ ਜੀ 1-2 ਫੜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਆਰੋਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਫੁੱਲ ਚਰਮ 'ਤੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।